तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। तो आज हम ट्रिप गोगो का एक और पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, और सच बताऊं तो आप लोगों के ये जो कमेंट्स हैं ये बताते हैं कि आप कितने अच्छे हो और आप मुझे सपोर्ट करते हो, आप मुझे नए नए आइडिया देते हो और जितनी तारीफ करूँ उतनी ही कम है। मगर एक रिक्वेस्ट और है आपसे मेरी कि आप वीडियो को शेयर भी किया करो ताकि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ओके? और लाइक और सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है ग्रैंड प्रिट्स से, और वो चैंपा से बात करते हैं और कहते हैं, चैंपा, मैंने तुम्हारे यूनिवर्स की तहकीकात करी थी मगर मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। चैंपा स्माइल करके कहता है, मैंने तो पहले ही बोला था कि मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी है। ग्रैंड प्रिट्स कहते हैं, हाँ, और इसी के चलते मैं तुम्हारे यूनिवर्स को परमानेंटली ही इतना बड़ा कर रहा हूँ। चैंपा ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, क्या आप सच बोल रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मगर एक बात ध्यान में रखो, तुम्हारा ये यूनिवर्स अब वापस से अपने साइज में नहीं आएगा। चैंपा कहता है, हाँ चलेगा चलेगा। ग्रैंड प्रिस्ट अब अपनी पावर से चैंपा के यूनिवर्स को परमानेंट बड़ा कर देता है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, तो अब मैं चलता हूँ चैंपा। चैंपा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर की जय हो। अब ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चले जाते हैं। चैंपा खुश होकर बोलता है, वेडोस, तीर एकदम निशाने पर लग गया, एकदम निशाने पर। वेडोस कहती है, आपका प्लान तो वर्क कर गया लॉर्ड चैंपा। चैंपा बोलता है, अरे मेरा एक्सपीरियंस है ये तो। अब सीन जाता है वजीटा पर, और वो कहता है, इस वक्त उसे खुशी मनाने दो क्योंकि यह खुशी कुछ दिनों की ही है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, तो तुम्हारा अगला कदम क्या होगा वजीटा? वजीटा बोलता है, अरे जैनोसामा, देखिए आपके रहते मल्टीवर्स में क्या चल रहा है। ऐसा अगर हम जैनोसामा से कहेंगे तो वो चैंपा का यूनिवर्स जरूर इरेज करने आएंगे और तब चैंपा की सच्चाई बाहर निकलेगी। विश कहता है, बहुत ही बढ़िया लॉर्ड वजीटा, मान गए आपके दिमाग को। वजीटा कहता है, आगे आगे देखो होता है क्या। अब सीन जाता है डाबूरा पर, और वो बोलता है, क्या करूं मैं, मुझे कोई भी हिंट नहीं मिल रहा है, ये गॉड्स इतनी चालाकी से काम करते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता। और तभी डाबूरा के सामने आ जाता है मॉडरेटर। डाबूरा कहता है, कौन हो तुम? मॉडरेटर बोलता है, मैं हूँ मॉडरेटर। डाबूरा कहता है, ये कैसा नाम है, मुझे तो कोई रोबोट लग रहे हो तुम। मॉडरेटर कहता है, जिसकी तलाश तुम कर रहे हो उसकी तलाश मैं भी कर रहा हूँ। डाबूरा कहता है, देखो तुम मेरे प्लान के बीच में मत आओ वरना ठीक नहीं होगा। और तभी मॉडरेटर डाबूरा को अपनी ताकत से बांध देता है और कहता है, ये प्लान मेरा है इसलिए तुम्हें मेरे ही मुताबिक काम करना होगा। डाबूरा कहता है, ठीक है मैं आपके मुताबिक काम करूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। मॉडरेटर अब अपनी पावर को हटा देता है और कहता है, अब हम दोनों को मिलकर विगोरस का पता करना होगा और इसमें तुम कोई चालाकी मत करना। डाबूरा कहता है, विगोरस, तो उस बींग का नाम विगोरस है। तभी मॉडरेटर कहता है, अभी तुम्हारी इतनी औकात नहीं हुई कि तुम उसका नाम भी लो, वो अपने आप में ही एक तबाही है, वो जहां अपने पांव रख देता है वहां के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। डाबूरा कहता है, ठीक है मैं नाम नहीं लेता हूं मगर इस बीन के बारे में वो वजीटा पक्का कुछ जानता होगा। मॉडरेटर कहता है, वो कोई भी हो मैं उसकी गर्दन दबोच कर उससे विगोरस का पता उगलवा ही लूंगा। डाबूरा कहता है, ये इतना आसान नहीं है। मॉडरेटर कहता है, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मैं चाहूं तो पूरे यूनिवर्स की ऑक्सीजन को भी छीन सकता हूं। डाबूरा कहता है, लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो उनसे इनको मारने के लिए मैं खामखा ही विगोरस को ढूंढ रहा हूं, मैं इसी से काम करवा लेता हूं। मॉडरेटर कहता है, जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारी जिंदगी में कभी भी नहीं होगा, और अब तुम फिर भी कोई प्लान बनाते हो तो मैं तुम्हारा भेजा फ्राई कर दूंगा। डाबूरा कहता है, मुझे माफ करना फिर ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट डे सीन जाता है कोकू पर, और वो पिकोलो से कहता है,
तो पिकोलो, क्या अब तुम ट्रांसफॉर्म होने के लिए रेडी हो? पिकोलो कहता है, हाँ, मगर एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं जब भी ट्रांसफॉर्म होऊंगा तो तुम मुझसे लड़ने की जिद मत करना। गोकू कहता है, हाँ ओके, मैं नहीं करूँगा। पिकोलो अब रेज में आ जाता है और उसकी बॉडी से करंट निकल रहा होता है। गोकू कहता है, मुझे तो सोच कर ही मजा आ रहा है। अब पिकोलो और भी ज्यादा चिल्लाने लगता है। गोकू कहता है, चलो पिकोलो ट्रांसफॉर्म हो जाओ। अब पिकोलो और भी ज्यादा रेज में आने लगता है और जमीन तेजी से हिलने लगती है। गोकू कहता है, चलो पिकोलो जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो जाओ। और तभी पिकोलो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी नई फॉर्म में आ जाता है। गोकू कहता है, वाओ ये तो काफी अमेजिंग है। पिकोलो बोलता है, क्या हुआ गोकू, कैसी लगी मेरी नई फॉर्म? गोकू कहता है, इसका तो लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है, काफी जबरदस्त है ये तो। पिकोलो गोकू से पूछता है और कहता है, गोकू क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि मेरी ये फॉर्म किसके लेवल तक की है? गोकू कहता है, ये कहना तो मुश्किल है, इसके लिए तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। पिकोलो कहता है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मुझसे फाइट करने की कोशिश नहीं करोगे, तुम्हें जो बताना है ऐसे ही बताना होगा। गोकू कहता है, ऐसी बात है तो मुझे थोड़ा आइडिया लगाने दो, मुझे कैलकुलेट करना होगा। पिकोलो अब नॉर्मल हो जाता है और कहता है, ठीक है तुम अपना टाइम ले सकते हो। गोकू कहता है, जहां तक मेरी कैलकुलेशन है तुम लगभग विश के बराबर पहुंच चुके हो। पिकोलो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा, मैं अब विश के लेवल का हो चुका हूँ। गोकू पूछता है, क्यों, क्या कम है क्या? पिकोलो कहता है, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा है, नेमिकेंस की हिस्ट्री में ये पहली बार होगा कि कोई इतना ज्यादा स्ट्रोंग है। गोकू कहता है, नहीं पिकोलो तुम शायद भूल रहे हो कि ये हिस्ट्री पहले ही कोई और बना चुका है। पिकोलो कहता है, कौन है वो गोकू? गोकू कहता है, वो नेमेकिन है लॉर्ड जालमा। पिकोलो कहता है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था कि लॉर्ड जालमा भी तो है जो कि ओमनी किंग के लेवल के हैं। गोकू कहता है, पर मैंने तुम्हारी ताकत की बस कैलकुलेशन करी है, मैंने उससे कंफर्म नहीं किया कि तुम इतने ही पावरफुल हो। पिकोलो कहता है, जो भी हो मगर मेरे लिए तो ये एक खुशी की ही बात है कि मैं एंजल के लेवल का बन चुका हूँ। गोकू कहता है, ये बड़ी अच्छी बात करी तुमने पिकोलो। अब सीन जाता है चैंपा पर और वो बहुत ही शॉक्ड होकर कहता है, क्या कहो, मेरा यूनिवर्स उड़ाने के लिए जाना सामा जल्दी यहाँ आने वाले हैं। वेडोस कहती है, हाँ लॉर्ड चैंपा, मुझे तो लगता नहीं कि अब आपको कोई बचा भी पाएगा या नहीं। चैंपा कहता है, चुप करो और मुझे कुछ सोचने दो। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर प्लान काम कर रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ वेजिटा। अब सीन जाता है मॉडरेटर पर और वो कहता है, जाओ उस गॉड के प्लैनेट पर और देखो वहां पर तुम्हें कुछ पता करने के लिए कुछ मिलता है या नहीं। डाबूरा बोलता है, ठीक है मैं जाता हूँ। डाबूरा वहां से अब चला जाता है। मॉडरेटर कहता है, विगोरस का तो पता मैं लगा कर ही रहूंगा। अब सीन जाता है चैंपा पर और वो वेजिटा से मिलता है और कहता है, वेजिटा मेरी मदद करो। वेजिटा कहता है, क्या बात है चैंपा? चैंपा कहता है, जैनो सामा को मेरे यूनिवर्स के बारे में पता चल गया है और वो यहाँ पर मेरे यूनिवर्स को इरेज करने के लिए आ रहे हैं। वेजिटा कहता है, क्या ये सच बात है? चैंपा बोलता है, हाँ और मुझे अब डर लग रहा है कि वो मुझे भी खत्म कर देंगे। वेजिटा बोलता है, मगर वो तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं? चैंपा कहता है, उन्हें मेरे यूनिवर्स के बारे में सब पता चल गया है इसलिए वो यहाँ आ रहे हैं। वेजिटा कहता है, तो तुम तुम्हारे यूनिवर्स को छोटा कर लो। चैंपा कहता है, नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ग्रैंड मिनिस्टर ने मेरे इस यूनिवर्स को परमानेंटली बड़ा कर दिया है। वेजिटा कहता है, अरे नहीं चैंपा ये क्या हुआ, अब तो तुम्हें मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। चैंपा कहता है, कुछ करो वेजिटा नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। वेजिटा कहता है, ठीक है मैं कोशिश करूंगा, तुम टेंशन मत लेना। सीन की शुरुआत होती है बीरस से
और वो कहता है, पता नहीं ये वेजिटा और विज अपना काम खत्म करके कब आएंगे। तभी वहाँ आ जाता है डाबुरा और वो बीरस के प्लैनेट में कुछ ढूंढ रहा होता है, मगर इस बात का पता बीरस को बिल्कुल भी नहीं होता। डाबुरा कहता है, चलो मेरी डार्क एनर्जी, ढूंढो उस बींग को जो विकोरस का पता बता सकता है। अब डाबुरा की डार्क पावर नथिंग की तलाश में निकल पड़ती है। तभी हम देखते हैं बीरस को, वो कहता है, हाँ ये अजीब सी स्मेल, फिर से लगता है कि वो शख्स फिर से यहाँ आया है, मुझे देखना ही होगा। तभी डाबुरा बोलता है, ये क्या, बीरस यहाँ आ रहा है, मुझे जल्दी ही छुपना होगा, हाँ आइडिया आया। तभी डाबुरा अपनी पावर से वेजिटा में बदल जाता है और कहता है, अब आएगा मजा। तभी वहाँ पर बीरस आता है और बोलता है, कौन है वहाँ। तभी बीरस की नजर वेजिटा पर जाती है और वो कहता है, अरे वेजिटा तुम यहाँ पर। डाबुरा कहता है, लॉर्ड बीरस क्या हुआ, मुझे देख कर हैरानी हो रही है क्या। बीरस बोलता है, तुम तो विज के साथ गए थे ना, तो उसे कहाँ छोड़ा है। डाबुरा कहता है, विज पता नहीं वो कहाँ भाग गया। बीरस कहता है, मगर तुम दोनों तो ग्रैंड मिनिस्टर के पास गए थे ना, तो वहाँ क्या हुआ। डाबुरा कहता है, आप एक दिन में मुझसे कितने सवाल करोगे। बीरस कहता है, अच्छा ठीक है, अब उस नालायक विज को बुलाओ, मुझे भूख लगी है। डाबुरा कहता है, अरे हाँ वो तो वहीं गया है। बीरस पूछता है, वहाँ गया है कहाँ। डाबुरा कहता है, मैंने उसे अर्थ पर भेजा है ताकि वो आपके लिए स्वादिष्ट खाना ले सके। बीरस अब डाबुरा को घूर कर देख रहा होता है। डाबुरा मन में कहता है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, कहीं से शक तो नहीं हो गया है। तभी बीरस कहता है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। डाबुरा कहता है, बस थोड़ा इंतजार करिए, मैं अभी उसे बुला देता हूँ। अब बीरस वहाँ से चला जाता है। तभी डाबुरा अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, लगता है कि ये बिल्ला बूढ़ा हो गया है, इसलिए वो मुझे नहीं पहचान पाया। अब सीन जाता है चैंपा पर और वो कहता है, वेजिटा अगर तुम मुझे बचा लेते हो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा। वेजिटा कहता है, ओके मैं ग्रैंड मिनिस्टर से बात करके देखता हूँ, विज जरा उनसे कॉन्टेक्ट करो तो। विज कहता है, जी लॉर्ड वेजिटा। अब विज ग्रैंड प्रिस्ट से बात करने के लिए उन्हें कॉल करता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्या बात है विज। विज कहता है, फादर लॉर्ड वेजिटा को आपसे एक बेहद ही जरूरी बात करनी है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, कहो वेजिटा क्या हुआ। वेजिटा बोलता है, ग्रैंड मिनिस्टर आपने जो चैंपा के यूनिवर्स को परमानेंट करने में पावर लगाई है, क्या उसे रिवर्स किया जा सकता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं वेजिटा, वो यूनिवर्स अपने आप ही बड़ा है, इसलिए हम उसे छोटा अब नहीं कर सकते हैं। मगर हुआ क्या है। वेजिटा बोलता है, वो चैंपा के यूनिवर्स को देखकर जैनोसामा थोड़े नाराज हो गए हैं, इसलिए चैंपा अपना यूनिवर्स वापस नॉर्मल करना चाहता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं वेजिटा माफ करना, क्योंकि चैंपा का यूनिवर्स नेचुरली ग्रो हुआ है, इसलिए अब मैं अपनी पावर को रिवर्स नहीं कर सकता हूँ, और मैंने किया भी तब भी चैंपा का यूनिवर्स उतना ही बड़ा रहेगा। चैंपा ये सुनकर टेंशन में आ जाता है और कह देता है, वेजिटा ग्रैंड मिनिस्टर से बोलो कि यूनिवर्स नेचुरली नहीं बड़ा है। वेजिटा बोलता है, क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो। चैंपा कहता है, ये यूनिवर्स नेचुरली नहीं बड़ा है, बल्कि मैंने इसे बढ़ाया है। वेजिटा कहता है, चैंपा तुम अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो, अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। चैंपा कहता है, अरे वेजिटा ये सच है, इस यूनिवर्स को मैंने बढ़ाया है। वेजिटा बोलता है, मैं ये नहीं मानता हूँ, क्योंकि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो। चैंपा कहता है, वेजिटा मैंने सब सुपर जनरल से करवाया है। तभी वेजिटा ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर आपका काम हो गया है, चैंपा ने खुद अपने मुंह से ये कह दिया है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट वहां पर आ जाते हैं। चैंपा कहता है, वेजिटा तुम ये क्या बोल रहे हो। वेजिटा कहता है, मैंने जो भी कहा है सच कहा है, और ये सब मेरा ही एक प्लान था। वेडोस कहती है, मगर वेजिटा जैनोसामा का क्या हुआ। तभी विज वहां आकर कहता है, ये एक फेक न्यूज थी जिसे मैंने फैलाया। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं,
चैंपा, अब तुम क्या कहना चाहते हो? चैंपा कहता है, नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, ये सब एक चाल है मुझे फंसाने के लिए। मैंने तो झूठ इसलिए कहा ताकि जैनोसामा से मैं बच जाऊं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में कहते हैं, जितनी बार तुम झूठ बोल रहे हो इन सभी झूठ की सजा तुम्हें मिल कर रहेगी। चैंपा बोलता है, नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, मुझे माफ कर दीजिए, हम सब तो आप ही के बच्चे हैं। वजीटा स्माइल करके कहता है, चलो विश अब हम चलते हैं। अब वजीटा वहाँ से चला जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, चैंपा तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें डिस्ट्रॉयर की पोजीशन से निकाला जाता है। तभी चैंपा कहता है, नहीं ऐसा मत करिए, इससे अच्छा तो आप मेरी जान ले लीजिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वो भी ले लेता मगर मैंने तुम्हें यही सजा देनी सही समझी है कि तुम कुछ समय के लिए बिना डिस्ट्रॉयर बने रहोगे और अपने इस यूनिवर्स को टाइम से पहले नॉर्मल साइज में चेंज कर लो, नहीं तो जैनोसामा सच में इसे इरेज करने आ सकते हैं। तभी वेडोस कहती है, और फादर मेरी सजा क्या है? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम्हारी कोई सजा नहीं है वेडोस, क्योंकि तुमने तो अपने डिस्ट्रॉयर के ऑर्डर को फॉलो किया था। वेडोस कहती है, मगर इस जुर्म में मेरा भी हाथ था। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, तुमने कोई भी गलत काम नहीं किया। चैंपा अब अपने किए पर रोने लगता है। अब सीन जाता है वजीटा पर और वो बीरस को आवाज लगाता है और कहता है, लॉर्ड बीरस आप कहाँ हैं? तभी बीरस वहाँ आता है और विश से कहता है, अरे विश लाओ मेरा खाना लाओ। विश कहता है, कैसा खाना लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, वजीटा तुमने तो कहा था कि तुमने विश को अर्थ में भेजा है खाना लाने के लिए। वजीटा कहता है, ये मैंने कब बोला लॉर्ड बीरस, मैं तो अभी आपसे मिल रहा हूँ। बीरस बोलता है, तुम मजाक मत करो, तुम अभी तो मुझसे मिलकर गए थे। विच कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, हम तो आपको बता कर गए थे कि हम फादर से मिलने जा रहे हैं। बीरस कहता है, इसका क्या मतलब है? तभी वजीटा सीरियस होकर बोलता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई आकर गया है। विच कहता है, किन कौन यहाँ पर आ सकता है लॉर्ड वजीटा? अब सीन जाता है डाबूरा पर और वो मॉडरेटर से कहता है, वहाँ पर मुझे कोई सुराग नहीं मिला। मॉडरेटर कहता है, तुम खाली हाथ लौटे ये मुझे बहुत निराश कर रहा है। डाबूरा कहता है, तो जब वहाँ कुछ होगा ही नहीं तो मैं वहाँ से लाऊं भी क्या, आप ही बताइए। मुझे तो लगता है कि वो वजीटा ही कोई राज जानता है। मॉडरेटर कहता है, तो चलो उसी से पूछते हैं। डाबूरा कहता है, अभी नहीं, अभी सही टाइम नहीं है। मॉडरेटर कहता है, तुम्हें डर किस बात का है? डाबूरा कहता है, वो वजीटा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उससे हम राज ऐसे ही नहीं उगलवा सकते। मॉडरेटर कहता है, मैं उसका सर कुचल कर रख दूंगा। डाबूरा कहता है, अगर आप उसका सर कुचल दोगे तो हम वो राज किससे पूछेंगे? मॉडरेटर कहता है, ठीक है तो मुझे अपने तरीके से ही उससे नथिंग का पता लगाना होगा। डाबूरा कहता है, ऐसा कौन सा तरीका है? मॉडरेटर कहता है, जल्दी ही पता चल जाएगा। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो कहता है, पिकोलो तो कमाल का हो चुका है। अरे नहीं, पिकोलो के चक्कर में मैं तो उस मॉडरेटर के बारे में भूल ही गया था, अब मुझे अपने अंदर के गोकू से फिर से बात करनी होगी। अब सीन जाता है मॉडरेटर पर और वो कहता है, आखिर तुम किस शख्स से इतना डर रहे हो? डाबूरा कहता है, हम डेमन्स इन गॉड से इतना नहीं डरते हैं जितना कि हम उस गोकू से डरते हैं। मॉडरेटर कहता है, वो गोकू, मैं उससे मिला था। डाबूरा कहता है, क्या और तुम अभी भी जिंदा हो, मगर कैसे? मॉडरेटर कहता है, हाँ वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। डाबूरा कहता है, क्या मगर कैसे? मॉडरेटर कहता है, चलो दिखाता हूँ। अब वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब सीन जाता है गोकू पर और हम देखते हैं कि गोकू अपनी ध्यान की पोजीशन में बैठा होता है और वो अंदर व्हाइट गोकू से मिलता है। व्हाइट गोकू कहता है, तो क्या देखा तुमने गोकू? गोकू कहता है, तुमने बोला था ना कि इस बार ड्रीम जो दिखेगा उसे ध्यान से देखना। व्हाइट गोकू बोलता है,
हाँ तो तुमने क्या देखा? गोकू कहता है, मैंने इस बार एक बींग को देखा जो खुद को मॉडरेटर बता रहा था और उसने मेरे आगे कुछ लोगों को जान से मार दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। व्हाइट गोकू बोलता है, अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है वो शख्स तुम्हें क्या इशारा दे रहा है? गोकू कहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तभी गोकू की बॉडी के पास डाबुरा और मॉडरेटर आ जाते हैं। डाबुरा कहता है, वो रहा गोकू, ये तो मेडिटेशन में लगा हुआ है, क्या इसे छेड़ना सही रहेगा? तभी मॉडरेटर अपने मैजिक से गोकू की बॉडी को ही लॉक कर देता है। डाबुरा बोलता है, ये तुमने क्या किया? मॉडरेटर कहता है, ये अब कभी भी अपने ध्यान से बाहर नहीं आ पाएगा। डाबुरा स्माइल करके कहता है, क्या ये सच बात है? मॉडरेटर कहता है, चलो चलते हैं यहाँ से, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। डाबुरा कहता है, हाँ सही कहा। अब डाबुरा मॉडरेटर के साथ चला जाता है। अब हम देखते हैं व्हाइट गोकू को और वो कहता है, गोकू तुम्हारे चेहरे से तो ऐसा लग रहा है कि तुम मॉडरेटर की वजह से टेंशन में आ गए हो। गोकू कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने ड्रीम में हिल क्यों नहीं पाता हूँ। व्हाइट गोकू कहता है, क्योंकि सपनों पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। गोकू बोलता है, तो फिर वो मेरे ड्रीम में कैसे मूव कर पा रहा था? व्हाइट गोकू कहता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो जो ड्रीम है वो एक फेक ड्रीम है। गोकू पूछता है, फेक ड्रीम मतलब? व्हाइट गोकू कहता है, मतलब कि ये जो ड्रीम है वो तुम्हारा नहीं है, बल्कि इसे जबरदस्ती तुम्हारे दिमाग में डाला गया है, तुम्हें एक फेक ड्रीम दिखाया गया। गोकू अब थोड़ा शॉक्ड होता है और बोलता है, मगर कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? व्हाइट गोकू कहता है, शायद वो तुम्हें अपनी ताकत से इंट्रोड्यूस करवा रहा हो। गोकू कहता है, लेकिन मुझे ही क्यों? व्हाइट गोकू कहता है, क्योंकि तुम ही तो हो सबसे पावरफुल, और ऐसे लोग थोड़े साइको टाइप के होते हैं जिन्हें अपने से पावरफुल या अपने लेवल के बींग को हराने में मजा आता है। गोकू कहता है, इसका मतलब कि वो मुझसे लड़ना चाहता है? व्हाइट गोकू कहता है, कुछ कह नहीं सकते, ये तो तुम्हें उसी से पता करना होगा। गोकू बोलता है, ठीक है मैं चलता हूँ। व्हाइट गोकू कहता है, तुम उसे इस बार कुछ इशारा देना ताकि वो तुमसे बात करे। गोकू कहता है, ठीक है अब मैं चलता हूँ। अब गोकू अपने ध्यान से उठने की कोशिश करता है मगर वो उठ नहीं पाता। गोकू अब थोड़ा हैरान होता है और कहता है, ये मैं वापस क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? तभी व्हाइट गोकू कहता है, क्या बात है गोकू, तुम जा नहीं रहे हो? गोकू कहता है, मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ मगर मैं जा नहीं पा रहा हूँ। व्हाइट गोकू कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो गोकू? गोकू कहता है, हाँ मैं अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पा रहा हूँ। व्हाइट गोकू कहता है, रुक जाओ मुझे जरा चेक करने दो। अब व्हाइट गोकू देखता है कि गोकू की बॉडी किसी एनर्जी से बंधी है। गोकू पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? व्हाइट गोकू स्माइल करके कहता है, तुम्हारी बॉडी को किसी ने अपनी एनर्जी से बांध दिया है। गोकू पूछता है, क्या मतलब? व्हाइट गोकू कहता है, मतलब कि सारे डोर लॉक हो चुके हैं। गोकू कहता है, ये कैसे पॉसिबल है और इसका मतलब क्या है? व्हाइट गोकू कहता है, इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें यहीं रुकना होगा मेरे साथ। गोकू कहता है, नहीं मैं यहाँ कैसे रुक सकता हूँ? व्हाइट गोकू कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता है। अब सीन जाता है डाबुरा पर और वो कहता है, मुझे तो ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि अब गोकू कभी अपने ध्यान से बाहर ही नहीं आ पाएगा। मॉडरेटर कहता है, ज्यादा खुश मत हो और अपना काम शुरू करो। डाबुरा कहता है, अब मुझे क्या करना है? मॉडरेटर कहता है, तुम्हें वजीटा को मेरे पास लाना होगा। डाबुरा कहता है, क्या मैं, मगर कैसे? मॉडरेटर कहता है, हाँ तुम ही लाओगे उसे, कुछ भी करो और उसे मेरे पास लाओ, नहीं तो मैं खुद उसके पास चला जाऊंगा और तुम्हारा भी कोई काम नहीं होगा, तो तुम्हें मैं खत्म कर दूंगा। डाबुरा कहता है, नहीं नहीं
मैं उसे लेकर आता हूँ। डाबूरा वहाँ से चला जाता है। ऑर्डिनेटर कहता है, मैं तुम्हारे पास आना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ आया तो मैं तुम्हारे सभी लोगों को मार डालूंगा। अब सीन जाता है वजीटा पर और बीरस पर। बीरस कहता है, अरे वजीटा, तुम अर्थ पर जाकर मेरे लिए खाना नहीं ला सकते हो क्या? वजीटा कहता है, लॉर्ड बीरस विश कुकिंग कर तो रहा है, आप थोड़ा इंतजार करिए। और तभी वहां पर डाबूरा आता है और कहता है, वजीटा। तभी वजीटा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अपने कदम यहाँ पर रखे। बीरस भी बोलता है, वजीटा ये यहाँ पर कैसे आ गया, खत्म करो इसे अभी। वजीटा कहता है, जी लॉर्ड बीरस। तभी डाबूरा कहता है, नहीं रुको, मेरी बात तो सुनो। वजीटा कहता है, मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। डाबूरा बोलता है, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा। वजीटा कहता है, ये क्या नया नाटक है? डाबूरा बोलता है, मैं यहाँ तक आया क्योंकि मेरी मजबूरी थी। वजीटा पूछता है, कैसी मजबूरी? डाबूरा कहता है, कोई मेरे वर्ल्ड में घुस आया है और वो हमें एक एक करके मारे जा रहा है। वजीटा पूछता है, तो तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? डाबूरा कहता है, प्लीज मेरी मदद करो, मैं अगर वहाँ पर वापस गया तो मैं भी मारा जाऊंगा, इसलिए मैं वापस नहीं जा पा रहा हूँ। वजीटा कहता है, मैं तुम डीमंस की बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाला हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। डाबूरा बीरस से कहता है, आप ही वजीटा को समझाइए, नहीं तो हम डीमंस मारे जाएंगे। बीरस कहता है, तुम डीमंस अगर मारे जाओगे तो इसमें हमारा क्या फायदा है? डाबूरा कहता है, नहीं ऐसा मत कीजिए, आप हैं तभी तो हम हैं, वरना आप लोग हमें कब का मार चुके होते। बीरस कहता है, ये मस्का लगा रहा है वजीटा। वजीटा बोलता है, डाबूरा जाओ यहाँ से, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। डाबूरा कहता है, तो ये बात है, मैं तो यहाँ पर इसलिए आया था कि तुम गॉड्स मेरी मदद करोगे, क्योंकि तुम सबसे शक्तिशाली हो, लेकिन यहाँ तो डरपोक लोग भरे पड़े हैं। तभी बीरस गुस्से में कहता है, डाबूरा तुम अपने औकात मत भूलो। तभी वजीटा कहता है, रुक जाइए लॉर्ड बीरस, मैं इसके साथ जाऊंगा और इसे बताऊंगा कि हम गॉड्स लोग डरपोक नहीं हैं। सीन की शुरुआत होती है वजीटा से और वो कहता है, डाबूरा मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। डाबूरा पूछता है, क्या सच में तुम मेरे साथ चलोगे? वजीटा कहता है, हाँ। तभी बीरस कहता है, वजीटा तुम किसकी बातों में आ रहे हो? वजीटा बोलता है, लॉर्ड बीरस, डाबूरा ने हमसे मदद मांगी है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ताकि डीमंस को भी पता चले कि हम गॉड्स कितने दयालु हैं। बीरस कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी वजीटा। डाबूरा कहता है, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा वजीटा, और आज के बाद हमारे बीच कभी भी दुश्मनी नहीं होगी। वजीटा कहता है, अब चलें। डाबूरा कहता है, क्या तुम अपने साथियों को साथ नहीं ले जाना चाहोगे? वजीटा कहता है, नहीं मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरा ये 3 किलो का हाथी काफी है। बीरस कहता है, डायलॉग तो कहीं सुना सुना सा लग रहा है। वजीटा कहता है, यकीन मानिए ये मेरा ही लिखा हुआ है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, कुछ तो करो, मैं ऐसे यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ। वाइट गोकू कहता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम बाहर से फंसे हो, मैं तुम्हारे बाहर थोड़ी जा पाऊंगा। गोकू कहता है, हद हो गई, आखिर ये सब किसने किया है? जिसने भी ये किया है वो उल्लू का पट्टा है। वाइट गोकू कहता है, कहीं तुम उसे गाली देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? गोकू बोलता है, हाँ मगर क्या करूं, शरीफी अंदर घुसी पड़ी है। अब सीन जाता है बीरस पर और वो कहता है, वजीटा के जाने के बाद वो स्मेल फिर से आ रही है, एक मिनट मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, जब डाबूरा यहाँ आया तो ये स्मेल आनी शुरू हुई थी, इसका मतलब पहले जो यहाँ आया था वो भी डाबूरा ही था, कहीं ये सब उसकी चाल तो नहीं है? लग रहा तो यही है, मगर वो करना क्या चाहता है? अब सीन जाता है वजीटा पर और वो डाबूरा के साथ आ जाता है। वजीटा कहता है, डाबूरा तुमने कहा था कि कोई यहाँ सबको मार रहा है, मगर यहाँ तो सब ठीक है। डाबूरा कहता है, तुम आओ तो सही,
मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कौन है वो। वजीटा अब डाबुरा के साथ चलने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद वजीटा कहता है, और कितना चलना होगा डाबुरा? डाबुरा कहता है, बस हम पहुंच गए। वजीटा पूछता है, तो कहाँ है वो जो तुम्हें मारना चाहता है? डाबुरा अब स्माइल करता है और कहता है, वो देखो तुम्हारे पीछे। वजीटा पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, तो ये है वो। डाबुरा कहता है, हाँ यही है वो। वजीटा कहता है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों सबको परेशान कर रहे हो? मॉडरेटर कहता है, तुम इसे यहाँ पर क्या कहकर लेकर आए हो? डाबुरा बोलता है, यही कि आप मुझे मारना चाहते हो। वजीटा कहता है, अच्छा तो तुम दोनों आपस में मिले हुए हो? डाबुरा कहता है, मैंने कहा था ना कि आज के बाद हमारे बीच दुश्मनी नहीं रहेगी, क्योंकि दुश्मनी के लिए तुम जिंदा ही नहीं बचोगे। अब वजीटा कहता है, मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। तभी मॉडरेटर कहता है, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, मेरे कुछ सवाल हैं, उनका आंसर दे दो और यहाँ से चले जाओ। वजीटा बोलता है, लड़ने से डर लगता है क्या तुम्हें? मॉडरेटर कहता है, मैंने लड़ना शुरू किया तो मेरे एक ही हमले में हजारों गैलेक्सी तबाह हो जाएगी, इसलिए मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। बेहतर होगा कि तुम मेरे सवालों का जवाब दो और फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। वजीटा कहता है, क्या जानना चाहते हो तुम? मॉडरेटर पूछता है, वो कहाँ है? वजीटा गुस्से में पूछता है, कौन कहाँ है? मॉडरेटर कहता है, नथिंग कहाँ पर है। वजीटा ये सुनकर अब शॉक्ड हो जाता है और मन में कहता है, इसे नथिंग के बारे में कैसे मालूम पड़ा? आखिर ये है कौन? तभी मॉडरेटर कहता है, तुम यही सोच रहे हो ना कि मुझे नथिंग के बारे में कैसे पता? देखो वजीटा, मैं भी एक ऐसा बीइंग हूँ जो नथिंग जैसे रेस से बिलोंग करता हूँ। ये सुनकर वजीटा शॉक्ड होता है और कहता है, इसका मतलब मेरा सोचना सही था, नथिंग जैसे और भी लोग हैं। मॉडरेटर कहता है, देखो वजीटा, मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं है, इसलिए आराम से मुझे नथिंग का पता बता दो। वजीटा कहता है, तुम्हें उससे क्या चाहिए? मॉडरेटर कहता है, मुझे नथिंग से ये जानना है कि विगोरस कहाँ पर है। वजीटा अब और भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये क्या, इसे तो विगोरस के बारे में भी पता है। मॉडरेटर बोलता है, चलो अब मैंने तुम्हारे सवालों का जवाब दे दिया है और अब तुम मुझे बताओ कि नथिंग कहाँ है। तभी डाबुरा कहता है, बता दो यहाँ से जिंदा वापस चले जाओगे। वजीटा कहता है, मैं हरगिज नहीं बताऊंगा। डाबुरा कहता है, देखो वजीटा, तुम मॉडरेटर को नहीं जानते हो, ये एक हमले में तुम्हारे अर्थ को भी धूल में बदल सकता है। वजीटा डाबुरा के एक पंच मारता है और कहता है, दूर रहो मुझसे। तभी मॉडरेटर वजीटा के एक इलेक्ट्रिक शॉक मार देता है जिससे वजीटा को बहुत ही दर्द होता है। वजीटा कहता है, तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी है? मॉडरेटर कहता है, मुझसे लड़ने की ताकत तुम में नहीं है, अब मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ। मॉडरेटर कहता है, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारे मल्टीवर्स को खत्म कर दूंगा। वजीटा कहता है, तुम कुछ भी कर लो मगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। डाबुरा कहता है, मैं जानता हूँ कि ये किसके दम पर इतना बोल रहा है। मॉडरेटर पूछता है, अच्छा कौन है वो? डाबुरा कहता है, वो गोकू, वो ही है इसकी हिम्मत जो कि कुछ देर में टूटने वाली है। वजीटा पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? डाबुरा कहता है, वो तुम्हारा गोकू अब यहाँ नहीं आने वाला है, उसका इंतजाम हमने पहले ही कर दिया है। वजीटा कहता है, क्या किया तुमने कैकरोट के साथ? मॉडरेटर बोलता है, उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हें अपने मल्टीवर्स की चिंता करनी चाहिए क्योंकि अब कोई नहीं बच पाएगा। वजीटा कहता है, देखो तुम जो भी हो, मेरे रहते तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। मॉडरेटर कहता है, कहीं तुम्हारा ये ईगो तुम्हें ही नुकसान ना पहुंचा दे। वजीटा अब भी कुछ नहीं बोलता है। तभी मॉडरेटर कहता है, तो फिर ठीक है, जैसी तुम्हारी जिद। तभी मॉडरेटर अपनी पावर से मल्टीवर्स से एक यूनिवर्स ही इरेज कर देता है। वजीटा अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुमने क्या किया, तुमने पूरा एक यूनिवर्स खत्म कर दिया। मॉडरेटर कहता है,
तुम मुझे नथिंग का पता बता रहे हो या नहीं? वजीटा कहता है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। तभी मॉडरेटर एक और यूनिवर्स खत्म कर देता है और कहता है, आप क्या कहते हो? वजीटा कहता है, नहीं, मेरी आंखों के सामने दो यूनिवर्स इरेज हो गए, अब मैं क्या करूं? मॉडरेटर कहता है, ठीक है, तो अब मैं तीसरा यूनिवर्स भी इरेज कर देता हूं। तभी वजीटा कहता है, नहीं रुक जाओ, तुम ऐसा मत करो। मॉडरेटर कहता है, ये तो तुम मुझसे करवा रहे हो, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो जल्दी से नथिंग के बारे में बताओ। वजीटा कहता है, मैं तुम्हें उसके बारे में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि वो कहाँ है। तभी डाबूरा कहता है, ये झूठ बोल रहा है, ये अपने आप को बचाने के लिए ऐसा बोल रहा है। वजीटा बोलता है, मैं सच कह रहा हूँ, नथिंग कहाँ है ये मैं भी नहीं जानता हूँ। मॉडरेटर कहता है, पर तुम उससे मिलते कैसे हो? वजीटा कहता है, मैं नथिंग से मिलता नहीं हूँ, मैं तो बस उसे ध्यान लगाकर बात करता हूँ, तभी वो मुझे मिल पाता है। डाबूरा कहता है, तुम इसकी बात में मत आओ, ये बहुत ही बड़ा झूठा है। तभी मॉडरेटर कहता है, ये झूठ नहीं बोल रहा है, मैं जानता हूँ कि अब नथिंग से कैसे मिलना है। तभी मॉडरेटर वजीटा को बेहोश कर देता है। अब सीन जाता है नथिंग पर और उसे पता चल जाता है कि मॉडरेटर आ चुका है। नथिंग कहता है, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, मुझे इस लड़ाई को अब रोकना होगा, अब हम में से किसी एक की मौत होकर ही रहेगी। शुरुआत होती है मॉडरेटर पर, उसने वजीटा को बेहोश कर दिया है। डाबूरा कहता है, अब क्या करेंगे? मॉडरेटर कहता है, मैं जा रहा हूँ नथिंग के पास। डाबूरा बोलता है, रुको मुझे भी लेकर चलो, मगर मॉडरेटर अकेला ही वजीटा के माइंड में चला जाता है। डाबूरा बोलता है, दत्त तेरी की, मुझे भी वहां जाना था, रुको यहाँ बीरस आ रहा है। अब डाबूरा वहां से चला जाता है। तभी वहां पर बीरस और विश आ जाते हैं। बीरस वजीटा को देखता है और कहता है, ये देखो विश, ये देखो विश, मैंने इसे कहा था कि डाबूरा के साथ मत जाओ, लेकिन इसने मेरी नहीं सुनी। विश कहता है, लॉर्ड वजीटा बेहोश पड़े हैं, हमें शायद इन्हें घर ले जाना चाहिए। बीरस कहता है, तो देख क्या रहे हो, इसे जगाओ। अब विश अपनी छड़ी से वजीटा को होश में लेकर आता है। अब सीन जाता है बीरस के प्लैनेट पर। वजीटा शॉक होकर कहता है, लॉर्ड बीरस, मेरी वजह से सब तबाह हो गया है। बीरस कहता है, रुक जाओ और शांति से बताओ कि क्या हुआ है। वजीटा कहता है, उसने सबको मार दिया। विश कहता है, लॉर्ड वजीटा, आप थोड़ा शांत रहकर बताइए कि किसने किसको मार दिया। तभी वजीटा कहता है, उसने मेरी आंखों के सामने दो यूनिवर्स इरेज कर दिए। बीरस भी अब टेंशन में आ जाता है और कहता है, विश, ये वजीटा क्या कह रहा है? विश कहता है, लॉर्ड वजीटा, क्या आपका सर दर्द कर रहा है या आपको चक्कर आ रहे हैं? वजीटा बोलता है, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बीरस कहता है, क्योंकि इसे लग रहा है कि तुम पागल हो चुके हो। तभी वजीटा कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, डाबूरा मुझे एक ऐसे शख्स के पास ले गया जो बहुत ही खतरनाक है, उसने मेरे ही सामने दो यूनिवर्स को उड़ा दिया। विश कहता है, मगर लॉर्ड वजीटा, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ है। वजीटा कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ दो यूनिवर्स तबाह हो गए और तुम कह रहे हो कि कुछ भी नहीं हुआ है। बीरस बोलता है, वजीटा, तुम समझ नहीं रहे हो, यहाँ पर कोई भी यूनिवर्स तबाह नहीं हुआ। तभी वजीटा शॉक्ड होता है और कहता है, क्या आप सच कह रहे हो कि यहाँ पर वो दो यूनिवर्स ही सलामत हैं? बीरस कहता है, दो नहीं बल्कि सभी यूनिवर्स अपनी जगह पर सही सलामत हैं। वजीटा कहता है, ये कैसे पॉसिबल है, इसका मतलब उसने जो मुझे दिखाया वो झूठ था। बीरस बोलता है, ये तुम बार बार किसके बारे में कह रहे हो, कौन है वो? वजीटा कहता है, वो है मॉडरेटर। अब सीन जाता है मॉडरेटर पर और वो अब एक अलग ही दुनिया में आ चुका है। मॉडरेटर कहता है, तो वो यही कहीं पर है। तभी मॉडरेटर नथिंग को आवाज लगाता है और कहता है, नथिंग, चलो बाहर आओ, अब छुपने का टाइम खत्म हो गया है। तभी वहां पर तेजी से जमीन हिलने लगती है और बहुत ही तेजी से बिजलियां भी गिरने लगती है।
मॉडरेटर कहता है अब आ भी जाओ। तभी नथिंग वहां आ जाता है और कहता है तुम यहां पर कैसे आए। मॉडरेटर कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझसे पीछा छुड़वाना आसान है। नथिंग कहता है देखो मैं किसी से भी छुप कर नहीं रह रहा हूँ, मेरा जो डायमेंशन है मैं वहीं पर रहता हूँ। मॉडरेटर कहता है नो वे, ये सब झूठ है, तुम छुप कर रहते हो क्योंकि तुम्हें कुछ ऐसा पता है जिसके बारे में तुम किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहते हो। नथिंग कहता है मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हें अपने डायमेंशन में रहना चाहिए नहीं तो ठीक नहीं होगा। मॉडरेटर कहता है इतनी मेहनत करके मैं यहाँ आया हूँ अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, तो बताओ विगोरस कहाँ है। नथिंग कहता है विगोरस मौत का सरताज है, उससे पंगा मत लो वरना सब खत्म हो जाएगा। तभी मॉडरेटर कहता है मैं उस विगोरस को खत्म कर दूंगा और फिर मैं हो जाऊंगा सबका राजा। तभी नथिंग हंसता है और कहता है क्या कहा तुमने, तुम विगोरस को मारोगे। मॉडरेटर कहता है हाँ और मुझे अब कोई नहीं रोक पाएगा, चलो अब बताओ मुझे कि वो कहाँ है। तभी नथिंग कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे उसका पता उगलवा सकते हो। मॉडरेटर कहता है इतना आसान तो ये नहीं है लेकिन मेरे पास एक आइडिया जरूर है। नथिंग कहता है क्या, कैसा आइडिया। तभी मॉडरेटर अपनी ताकत का यूज करता है और उधर वजीटा के सिर में तेज दर्द हो रहा होता है। वजीटा अब दर्द में कहता है आ, ये मेरे सर में इतना दर्द कैसे हो रहा है। विच बोलता है लॉर्ड वजीटा क्या हुआ, क्या आप किसी तकलीफ में हैं। वजीटा कहता है मेरे सर में दर्द हो रहा है। बीरस कहता है अरे विच इसे दवाई खिलाओ और आराम करवाओ। वजीटा कहता है नहीं लॉर्ड बीरस मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, ये कुछ और ही है। तभी नथिंग कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तभी मॉडरेटर कहता है क्या तुम अपने प्यारे दोस्त को ऐसे ही मरने दोगे। तभी नथिंग कहता है मुझे अपनी ताकत का यूज करने में मजबूर मत करो मॉडरेटर। मॉडरेटर कहता है तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तभी नथिंग अपनी एनर्जी से मॉडरेटर को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर देता है। मॉडरेटर कहता है ओह तो तुम पहले से काफी ताकतवर हो चुके हो, तो ठीक है अब ये लो। और तभी मॉडरेटर वजीटा पर एक ब्लास्ट कर देता है जिससे उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। मॉडरेटर कहता है वो देखो तुम्हारा चहिता दोस्त कैसे जमीन पर पड़ा है। नथिंग कहता है रुक जाओ। तभी नथिंग मॉडरेटर पर अपनी पावर का यूज करता है और दूसरी तरफ से मॉडरेटर अपनी एनर्जी का यूज करता है, दोनों की एनर्जी से धमाका हो जाता है। मॉडरेटर कहता है देखो वो कैसे हतमारा पड़ा है, कुछ ही देर में वो मारा जाएगा। तभी वजीटा कहता है नथिंग मुझे बचाओ प्लीज। मॉडरेटर कहता है तुम्हारा दोस्त जिसने तुम्हें आजाद करवाया तो क्या तुम उसे ऐसे मरने दे सकते हो। नथिंग कहता है रुक जाओ उसे मत मारो। मॉडरेटर कहता है ये तो तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, मैं थोड़ी ये कर रहा हूँ, तुम मुझे विगोरस कहाँ है ये बता दो, मैं तुम्हें और वजीटा को छोड़ दूंगा। नथिंग कहता है क्या तुम पागल हो, विगोरस यहाँ पर है ही नहीं, उसके पास जाया नहीं जा सकता है। मॉडरेटर कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। नथिंग कहता है तुम्हें अगर उससे मिलना है तो तुम्हें मरना होगा। मॉडरेटर ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मरने के बाद कोई कैसे विगोरस से मिल सकता है। नथिंग कहता है यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि विगोरस एक ऐसी डायमेंशन में रहता है जहाँ पर सिर्फ मौत है और कुछ भी नहीं, इसलिए उससे मिलने की कोशिश मत करो। मॉडरेटर कहता है उससे मिलकर तो मैं रहूंगा और उसे मैं खत्म भी करूंगा। तभी मॉडरेटर वहां से चला जाता है। नथिंग बोलता है लगता है कि इसे अकल आ चुकी है। तभी वहां वजीटा आता है और नथिंग से कहता है नथिंग क्या तुम ठीक हो। नथिंग कहता है वजीटा तुम यहाँ। वजीटा कहता है हाँ मैं ध्यान लगाकर यहाँ पर आया हूँ,
पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे सर पर इतना दर्द कैसे हो रहा है। नथिंग कहता है, वो मॉडरेटर यहाँ आया था। तभी वजीटा शॉक्ड होता है और कहता है, क्या वो यहाँ तक आ गया, मगर कैसे? नथिंग कहता है, हाँ वो तुम्हारे माइंड से कंट्रोल करके यहाँ आया था। तभी वजीटा कहता है, तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं? नथिंग कहता है, बताया था, वो विगोरस का पता पूछने आया था, लेकिन जब उसे पता चला कि विगोरस तक नहीं जाया जा सकता है तो वो यहाँ से चला गया। वजीटा कहता है, ओ ऐसी बात है, मगर मुझे उसके इरादे सही नहीं लग रहे हैं। वो विगोरस से मिलना चाहता है तो इसका मतलब उसके पास कुछ तो ऐसा है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो अभी तक वाइट गोकू के पास फंसा पड़ा है। वाइट गोकू कहता है, अब तो मुझे भी टेंशन हो रही है कि तुम्हें बाहर कैसे भेजा जाए। गोकू कहता है, हाँ भूख भी बहुत लग रही है, कोई तो रास्ता होगा यहाँ से जाने के लिए। वाइट गोकू कहता है, तुम्हें अगर बाहर से कोई जगाता है तो तुम शायद यहाँ से निकल सकते हो। गोकू स्माइल करके कहता है, क्या ये सच है? तो यहाँ जल्दी से कोई आ जाए और मुझे जगा दे। तभी वहां पर आ जाता है एक टाइगर, जिसे देखकर वाइट गोकू सीरियस हो जाता है। गोकू कहता है, क्या बात है, तुम इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? वाइट गोकू कहता है, क्योंकि तुम्हें जगाने वाला आ गया है। गोकू ये सुनकर खुश हो जाता है। बात होती है गोकू से और वो स्माइल करके कहता है, बस अब वो जो भी हो वो मुझे जगा दे। तभी वाइट गोकू कहता है, तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? गोकू कहता है, क्योंकि वो मुझे जगाने वाला है। वाइट गोकू कहता है, वो तुम्हें जगाने वाला नहीं है, बल्कि वो तुम्हें सुलाने वाला है। गोकू पूछता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? वाइट गोकू कहता है, क्योंकि वो कोई शख्स नहीं है बल्कि वो एक टाइगर है। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा, टाइगर? क्या तुम मजाक कर रहे हो? वाइट गोकू कहता है, मानना है तो मानो, वरना तुम्हारी लाश को तो मानना ही पड़ेगा। गोकू कहता है, नहीं मेरा गार्ड डाउन है, मैं उसके हमले से मारा जाऊंगा। वाइट गोकू कहता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तभी वो टाइगर गोकू के पास आने लगता है। गोकू पूछता है, मुझे बताओ कि इस वक्त वो क्या कर रहा है? वाइट गोकू कहता है, वो धीरे धीरे तुम्हारे पास आ रहा है। गोकू अब घबरा जाता है और कहता है, तुम मेरे साथ मजाक मत करो, वो टाइगर कुछ भी कर सकता है। वाइट गोकू कहता है, तो इसमें मैं क्या करूं? तुम यहाँ फंस गए हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? गोकू बोलता है, इससे पहले कि मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूं तुम कुछ करो। तभी वाइट गोकू कहता है, अच्छा ठीक है मैं कुछ करता हूँ। तभी वाइट गोकू अपनी पावर से गोकू की बॉडी को बाहर से सराउंड करने लगता है, जिससे कि वो थोड़ा घबरा जाता है। गोकू कहता है, क्या वो गया? वाइट गोकू कहता है, नहीं मगर वो इससे थोड़ा पीछे हुआ है। गोकू कहता है, अरे यार अब मैं बचूंगा या नहीं मुझे तो ये भी नहीं पता। तभी वहां आ जाता है विश और वो गोकू की बॉडी को देखकर कहता है, अरे ये गोकू पर कैसी एनर्जी है? वाइट गोकू बोलता है, वो देखो विश तुम्हारी बॉडी के पास आया है। गोकू अब खुश हो जाता है और बोलता है, ओ माय गॉड विश आ गया, अब तो मुझे वो बचा लेगा। तभी विश कहता है, अरे ये टाइगर यहाँ क्या कर रहा है? अब वो टाइगर फिर से गोकू की बॉडी के पास आता है। विश कहता है, गोकू क्या तुम उठोगे? अब वो टाइगर और भी पास आता है। विश कहता है, लगता है कि गोकू गहरे ध्यान में है। तभी विश अपने स्टाफ से उस टाइगर को गायब कर देता है। वाइट गोकू बोलता है, लो गुड न्यूज। गोकू पूछता है, क्या हुआ? वाइट गोकू कहता है, विश ने खतरे को ही गायब कर दिया। गोकू कहता है, बच गया यार। विश कहता है, गोकू अब उठ भी जाओ। मगर गोकू उठता ही नहीं। विश कहता है, लगता है इस मैजिक की वजह से गोकू मेरी बात नहीं सुन पा रहा है। वाइट गोकू कहता है, लो अब विश तुम्हें जगाने वाला है तो रेडी रहो, और हाँ दोबारा मिलने जरूर आना। गोकू कहता है, हाँ क्यों नहीं जरूर आऊंगा, मगर कई सालों के बाद। तभी विश गोकू से वो मैजिक हटा देता है।
और उसी वक्त गोकू होश में आ जाता है। विश कहता है, गोकू तुम सुन क्यों नहीं रहे थे? गोकू कहता है, ओ विश सही टाइम पर आ गए तुम, वरना आज मैं नहीं बच पाता। विश कहता है, क्या बात कर रहे हो तुम, क्या ये सच है? गोकू बोलता है, विश वो टाइगर बस मुझे मार ही चुका था, अगर तुम टाइम पर नहीं आते तो मैं जिंदा नहीं बच पाता। विश कहता है, यहाँ पर सबके साथ अजीब हुए जा रहा है। गोकू पूछता है, क्या मतलब? विश कहता है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारी बात रास्ते में बताता हूँ। कुछ देर बाद सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर, जहाँ पर गोकू विश को सारी बात बताता है कि वो कैसे व्हाइट गोकू के वर्ल्ड में फंसा हुआ था। विश कहता है, गोकू ये तो बहुत ही अजीब बात है, भला तुम्हें वहाँ कौन फंसा सकता है और वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करना चाहता है? इस पर गोकू कहता है, मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। तभी वेजिटा कहता है, मैं जानता हूँ कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। गोकू पूछता है, क्या तुम्हें सच में पता है? वेजिटा कहता है, ये सब उस मॉडरेटर ने किया है। तभी गोकू शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने भी अपने ड्रीम में मॉडरेटर का नाम सुना होता है। गोकू पूछता है, तुमने मॉडरेटर का नाम कहाँ सुना वेजिटा? वेजिटा भी अब थोड़ा हैरान होता है और पूछता है, क्या तुम भी उसे जानते हो? गोकू कहता है, हाँ वो मेरे ड्रीम में आया था, वहीं पर उसने मुझे अपना नाम बताया था। वेजिटा को अब समझ आ जाता है और वो बोलता है, कैकरोट तुमने जो देखा था वो सपना नहीं था, वो हकीकत थी। गोकू कहता है, हाँ मुझे बाद में पता चला कि किसी ने मुझे वो सपना दिखाया था, मुझे वो सपना आया नहीं था। विश कहता है, ये तो बहुत गंभीर बात लग रही है गोकू। गोकू वेजिटा से पूछता है और कहता है, तुम और क्या जानते हो वेजिटा? वेजिटा कहता है, वो मॉडरेटर नथिंग तक आराम से पहुंच गया था। गोकू अब और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, नथिंग तक, मगर नथिंग से उसको क्या काम है? वेजिटा बोलता है, उसे असली काम नथिंग से नहीं बल्कि विगोरस से है। गोकू कहता है, वेजिटा तुम एक के बाद एक शॉकिंग न्यूज सुना रहे हो। इस पर वेजिटा भी कहता है, शौक तो मैं भी हुआ था, मगर क्या करें, हमें दुनिया को बचाना ही होगा। अब सीन जाता है डाबुरा पर और वो मॉडरेटर से पूछता है, क्या हुआ, तुम आज शांत लग रहे हो? देखो भले तुम मुझसे पावरफुल हो, मगर साथियों का साथ हम डेमन्स देना नहीं छोड़ते हैं, इसलिए मुझे बताओ क्या पता चला तुम्हें? मॉडरेटर कहता है, उसने कहा कि मुझे विगोरस से मिलने के लिए मरना होगा, तभी मैं उससे मिल सकता हूँ। डाबुरा सोचता है, अगर तुम मर जाओगे तो विगोरस से मिलोगे कैसे? मॉडरेटर कहता है, इसलिए मैं शांत हूँ क्योंकि मैं उस तक नहीं पहुँच सकता हूँ। डाबुरा कहता है, तुम्हें मरना होगा, इसका मतलब मुझे कुछ और ही लग रहा है। मॉडरेटर कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? डाबुरा कहता है, जिसने भी ये तुम्हें मरने वाली बात कही है वो तुमसे कुछ और कहना चाहता था। मॉडरेटर पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? डाबुरा बोलता है, जिस तरह से जिंदा लोगों की दुनिया है उसी तरह मरने वालों की भी एक दुनिया होगी जहां पर वो रहता है। मॉडरेटर पूछता है, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? डाबुरा कहता है, मैं इसके बारे में पक्का तो नहीं जानता हूँ, मगर इस दुनिया में एक रास्ता जरूर है जो मौत के रास्ते से जुड़ी हुई है। मॉडरेटर कहता है, क्या तुम सच में जानते हो ये सब? अगर तुम मुझे वहां तक ले जाओ तो मैं तुम्हें मल्टीवर्स का किंग बना दूंगा। डाबुरा खुश हो जाता है और कहता है, क्या कहा, पूरा मल्टीवर्स? मॉडरेटर बोलता है, हाँ तुम्हें मैं यहाँ का किंग बना दूंगा, बस मुझे विगोरस तक जाने का रास्ता बता दो। डाबुरा कहता है, देखो उस रास्ते को हम दोनों को ही मिलकर ढूंढना होगा। मॉडरेटर पूछता है, मगर हम उसे ढूंढेंगे कैसे? इस पर डाबुरा कहता है, उस रास्ते की रखवाली एक बहुत ही पावरफुल क्रिएचर करता है, तो पक्का वो रास्ता वही होगा और तुम उसकी एनर्जी सेंस करके उसे ढूंढ सकते हो, है ना? मॉडरेटर बोलता है, ठीक है इतना काफी है, मैं उसे ढूंढूंगा और उस विगोरस का अंत कर दूंगा। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है, कैकरोट भले ही उसने नथिंग के सामने कुछ नहीं कहा, मगर वो हार नहीं मानेगा, वो विगोरस को ढूंढने जरूर निकलेगा और हमें उसे रोकना ही होगा। गोकू कहता है, तुम चिंता मत करो वेजिटा, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा।
मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये यहाँ तक आ कैसे गया। वजीटा कहता है, जब नथिंग अपने डायमेंशन से हमारे वर्ल्ड आ गया था तब शायद उसे नथिंग की प्रेजेंस मिल गई होगी और अब वो उसकी प्रेजेंस ढूंढ रहा है।